हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सब्जी बनाएंगे शलगम, गाजर, मटर, आलू की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम सारी सब्जियां छील लेंगे। इसको काट छांट लेते हैं सब्जी को। सब्जी खाने से जमा ही नहीं टाइम लगता, बनाने से कितना टाइम लगता है। फ्रेंड्स, चूल्हे में आग हमारी जल चुके हैं। अब हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। ये मैंने गारा लगाए हुए है, इससे कढ़ाई जलेगी नहीं, ठीक है। फ्रेंड्स, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें तेल डाल लेंगे। ये मैंने पकौड़े बनाए थे, उसका तेल बचा हुआ है, तो मैं यही डालूंगी। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, हम सब्जियां धो लेते हैं। ये मेरे हाथ खाली हो गए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। प्याज डालेंगे। ये प्याज हमने पहले से चॉप करके रखे हुए थे। जब तक हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, तब तक हम हरी मिर्च काट लेते हैं। प्याज हमारे भुन चुके हैं, अब हम इसमें हरी मिर्च चॉप की हुई डाल देंगे। ये हमने पहले धो ली थी हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स, मिर्चें भी हमारी भुन चुकी हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आज हमारे पास चॉप किया हुआ लहसुन अदरक है नहीं था, तो मैंने पेस्ट मंगा लिया। ये पूरा पाउच डाल दूंगी मैं इसमें। अभी आप टमाटर की चॉपिंग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारे भुन चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ऊपर ठंड है ना। तो फ्रेंड्स, आज हमारे घर में टमाटर को अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक ये पानी ना छोड़ दे। जब तक इसका पानी सूख जाएगा, फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। अभी इसे अच्छी तरह से भूनेंगे हम। तो फ्रेंड्स, टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, इन्होंने पानी छोड़ दिया है अपना। और ये देखिए,
अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, ये नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, आपका जो टेस्ट है उसके अनुसार आप नमक डालिए। हमारे घर में थोड़ा सा ज़्यादा नमक खाते हैं। अब हल्दी डाल दें, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली हुई है, तो हम ये मसाला ये डाल देते हैं मसाला। फ्रेंड्स हमने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है, आप अपने अनुसार से गरम मसाला डाल सकते हैं क्योंकि हमें थोड़े दिन के लिए डॉक्टर ने मना किया है, इसीलिए आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ा इसमें पानी डाला है, ये अभी भी जब घी छोड़ देगा, तेल छोड़ देगा मसाला तड़का, तब हम इसमें सब्जी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स तड़के ने हमारे ने घी छोड़ दिया है, तेल छोड़ दिया है, अब हम इसमें सब्जी ऐड कर देंगे। इस सब्जी में मैंने लिए हैं आलू, शलगम, गाजर, मटर, तो मैं ये सब्जी बना रही हूँ। आप कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, गोभी भी डाल सकते हैं आप। अब हम सब्जी को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, अब हम सब्जी को अच्छी तरह से ढक के पकाएंगे। हाँ जी मेहताज, सब्जी को बीच बीच में हिलाते रहेंगे जब तक हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक नहीं जाती। इसको ढककर पकाना है और बीच बीच में हिलाते रहें ताकि सब्जी जो है वो नीचे ना लगे। अब इसको ढक देंगे, पक चुकी है। आलू को थोड़ा इसको ऐसे करके देख लेंगे, ये देखो ये आलू अच्छी तरह से, फ्रेंड्स तेरी में हम थोड़ी देर और पकाएंगे और हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स सब्जी हमारी बन चुकी है, बिल्कुल तैयार है सब्जी, देखिए। फ्रेंड्स सब्जी हमारी बन चुकी है, अब इसे धनिया के साथ गार्निश करेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसे चेक कर लेंगे ऐसे काट के, ये पकी है आलू तो नहीं, ये देखिए ये पक चुके हैं। तो फ्रेंड्स सब्जी हमारी बनकर तैयार है, सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है, आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ एक बात तो भूल ही गई, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।